प्लेटिंग कर दी हुई है, थोड़ा लाइटिंग करके और अच्छा लगेगा। चिकन चंगेजी काइंड ऑफ बनाएंगे, जैसे कि ये 2 किलो चिकन ये रहा, धो के अच्छे से विनेगर में मैरिनेट करके, नमक में मैरिनेट करके रखा हुआ था फ्रिज में, फिर इसको निकाला गया। और ये फिर रहा कुछ मसाले हैं, मसाले जैसे कि अदरक लहसुन प्याज मिर्ची टमाटर ये सब है, इसको पीस के फिर देखिए एयर फ्रायर में ना, ये रहा एयर फ्रायर, फिलिप्स का एयर फ्रायर है, इसमें जिस हिसाब से गर्म होगा उस हिसाब से बनाएंगे। मैं मसाला दिखा रहा था वो मिक्स कर दिया गया है, इसमें सब पीस लिया, अब इसको उसमें डाल दिया जाएगा, लेके चला गया। और ऊपर से कुछ ब्लैक पेपर ये नमक लाल मिर्च डालना है तो डाल लेंगे अब इसी में। हिमालयन सॉल्ट ये पड़ चुका है, अभी थोड़े बहुत जो सॉसेस हैं घर में ख़त्म करने के लिए जो है हम लोग उसमें डाल देंगे। अभी एक साथ तंदूरी पड़े तो क्या ही मतलब, सब एक जैसा हो जाता है। देखिए ये वीबा का बारबेक्यू सॉस है, दिखाइए, देखिए ये देखिए बारबेक्यू सॉस, और ये पड़ेगा पूरा ऐसा, ये देखिए ये देखिए उतना नहीं, अभी ये भी वीडियो में रिकॉर्ड हो चुका है, थोड़ा थोड़ा समझ से डाला जाएगा। ये है चिली सॉस पड़ गया इसमें, ये जो है कि छोड़ी रहने दे, आपको वीडियो में नहीं बता सकते, कभी और सामने से मिलेगा तब बताएंगे। चलिए सब मिक्स होके मिक्स कर, ये वीडियो रिकॉर्ड भी मैं ही कर रहा हूँ, खाना भी मैं ही बना रहा हूँ, ऐसा है, ऐसा नहीं है। देखिए मेरा एक हाथ तो वीडियो रिकॉर्डिंग में, चूड़ी वाला हाथ मेरा हो नहीं सकता, ऐसा बोलने की बातें हैं, मम्मी हेल्प कर रही है, मैं बस वीडियो रिकॉर्ड करके अपना नाम ले लेता हूँ क्रेडिट में। जो है कि सरसों का तेल मैंडेटरी है, नहीं डालेंगे तो मतलब नहीं। सरसों का तेल 2 चम्मच पड़ चुका है, मम्मी नहीं खाएगी। तो मम्मी नहीं खाएगी बोल रही है, आपने वो भी सुन लिया होगा, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। 20,000 सालों में पहली बार आज जो है कलर डालने वाला है खाने में, मम्मी कभी डालती नहीं कलर, देखिए एकदम रंग आ गया, ये पकाने की भी जरूरत नहीं है, अब मेरा हाथ भी खून खून जैसा हो चुका है। कलर का इस्तेमाल साबिर मामा बहुत करते थे, तो ये उनकी बहन है तो बिल्कुल करेंगे। अब ये जो चिकन है कढ़ाई में जाएगा धीरे धीरे करके, कढ़ाई में चला गया, इसको पलटेंगे थोड़ी देर, ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है अभी चिकन जो ऐसा रेडी हो चुका है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, एयर फ्रायर में डालेंगे और 10 मिनट के लिए गर्म करेंगे, देखते हैं अभी। तो मैं एक एक करके एयर फ्रायर में डालता रहता हूँ, 1 पीस 2 पीस, अभी जो इसको एयर फ्रायर में 10 मिनट के लिए गर्म कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर है, रेडी हो गया है, वो देखिए थोड़ा और लाइटिंग में दिखाते हैं, मस्त टेस्टी, प्लेटिंग कर दी हुई है, थोड़ा लाइटिंग करके और अच्छा लगेगा। ओ ब्यूटी ब्यूटी।